एल्विश का कॉल नहीं आया? नहीं, उसका नहीं आया। मुझे लगता है वो कभी भी सोशल मीडिया में अगर देखेगा तो वो खुशी होगा मेरे लिए कि अरे मनीषा जीती है। तो आई थिंक वो मेरे को देखेगा तो वो खुश होगा ही कि हाँ मनीषा जीती है। बिग बॉस OTT सीजन 2 के दौरान मनीषा रानी और एल्विश यादव की गहरी दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चाहे वो शो के दायरे में हो या फिर उसके बाहर की दुनिया में, मनीषा और एल्विश की दोस्ती अक्सर सुर्खियों में रही। वहीं जब मनीषा रानी ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 का खिताब किया अपने नाम, तब उन्होंने टेलीटॉक के साथ अपने एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान अपने और एल्विश की दोस्ती पर की खुलकर बात। जी हां, जब टेलीटॉक ने किया सवाल कि क्या उनके शो जीतने के बाद एल्विश यादव का आया था कॉल, तब क्या कुछ कहना था मनीषा का, आइए आपको दिखाते हैं। एल्विश का कॉल नहीं आया? नहीं, उसका नहीं आया। इंतजार है, मतलब ऐसी बात, क्योंकि ट्रॉफी हाथ में आ गई, आपके भी हाथ में यहाँ ट्रॉफी है एक रियलिटी शो का। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है वो कभी भी सोशल मीडिया में अगर देखेगा तो वो खुशी होगा मेरे लिए कि अरे मनीषा जीती है। और आई थिंक सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, उसको शायद में भी इतना पता भी नहीं होगा कि अभी फिनाले है या नहीं, तो ठीक है इतना कोई नहीं। बट आई थिंक जब हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मतलब एक टाइम हम लोग एक शो में साथ में रहे हैं, तो भले ही लोग दूर भी रहे, बट एक होता ना कि लोग दूर से ही रहता है, किसी को देखता है सक्सेस होते हुए तो खुश होता ही है। तो आई थिंक वो मेरे को देखेगा तो वो खुश होगा ही कि हाँ मनीषा जीती है। वेल, यहाँ तो मनीषा रानी ने साफ किया कि एल्विश का कॉल नहीं आया और उसके पीछे का कारण भी बताया। टेलीटॉक से बात करते हुए मनीषा रानी ने बताया कि झलक दिखला जा सीजन 11 की ट्रॉफी जीतने के बाद पहला कॉल अभिषेक मल्हान का आया था और वो मनीषा के जीतने पर हुए थे बेहद खुश। अभिषेक वीडियो कॉल पे ही था, तो कल सबसे पहले जब हम जीते तो अभिषेक वीडियो कॉल पे मेरे को देखा, बोला या तू जीत गई, आई एम हैप्पी। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।